भूल गया तेरा बाप मर गया था, तय कौन होता ताऊ के होते हुए अवतार लेने वाला। हटाओ। मैं कहता हूं मेरी वर्दी से अपने हाथ हटाओ। नहीं हटाऊंगा तो क्या करेगा है? तुझे तो मैं देखता हूँ। चल, चल अंदर।
इसके घर वालों को खबर कर दो, इसकी हालत बहुत खराब है। हल्का सा फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर सैनी, कैसी हालत है डॉक्टर? एक तो ठीक है लेकिन दूसरे की हालत नाजुक है, शायद ही बच पाया। हर आदमी चाहता है कि वो मर जाए। जी मैं भी, लेकिन हम डॉक्टर्स मरीज के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते कि वो मर जाए। हाँ सच कह रहे हैं आप, मगर मैं आपको जनता की राय बता रहा हूँ। लोग समझ रहे हैं कि वो मर चुका है, खुशियां मना रहे हैं सब। बिल्ला लौट आया तो तुम सबको शमशान घाट पहुंचा देगा। अरे शिवा दोस्त है हमारा, और अगर बिल्ला लौटे भी तो शिवा के नाम से थर थर कांपेगा। बकवास मत करो, सारा शहर तुम्हारा कहा हर लफ्ज बिल्ला के सामने जाकर कह देगा और वो तुम्हें मुर्ख की तरह हलाल कर देगा, समझे तुम लोग? लेकिन अंकल जब शिवा हमारे साथ है तो हमें कहने का काम है। शिवा तुम्हारे साथ, जैसे उसे पता चला कि उसने बिल्ला के ऊपर हाथ उठाया, गायब हो गया वो। अरे उसके माँ बाप तक को पता नहीं कहाँ छुपा है। और तुम अपने आप को पुलिस वाला कहते हो? सारे अपनी वर्दी उतारो और ये मेरी साड़ी पहन लो और जाकर कोठे पर बैठ जाओ। अगर बिल्ला अस्पताल में मर गया तो कानून की नजर में मेरा बेटा कातिल कहलाएगा। आजी कत्ल करना तो आजकल बड़ी मामूली बात है, बिल्ला ने 18 कत्ल किए हैं, उसको एक की भी सजा नहीं हुई। हम लोग कोई अच्छा वकील कर लेंगे, इसमें है क्या? इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। सर
शिवा अभी तक घर नहीं लौटा। जैसे ही आएगा मैं आपके हवाले कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, वो बेगुनाह है। बकवास मत करो लक्ष्मी। साठे इंस्पेक्टर साहब, इसकी बातों पर कान मत धरिए। बकवास नहीं, माँ अपने बेटे की रक्षा कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे कानून की रक्षा करनी है। साठे, पहले हम इंसान हैं फिर पुलिस वाले। भाजी आप घबराइए मत, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। साठे एक मिनट इधर आओ। साठे, अक्सर हम पुलिस वालों को ऐसे काम करने पर मजबूर किया जाता है जो कि हम नहीं करना चाहते, जैसे कि जो कुछ हमने नहीं देखा है हमें कहना पड़ता है देखा, और जो हमने देखा है कहना पड़ता है कि नहीं देखा। ऐसे ही कभी कभार हम अपने लिए कुछ कर लें तो इसमें बुरा क्या है? आप क्या कह रहे हैं? हम कहते इल्जाम शिवा पर नहीं है, मुलजिम कोई दूसरा आदमी है जिसको बिल्ला से पुराना हिसाब चुकाना था। नहीं, मुझे यह मंजूर नहीं। मत करो मंजूर, मैंने तो ऐसा कर दिया। FIR के मुताबिक मौका वारदात पर शिवा मौजूद ही नहीं था। हाँ, एक और बात, मैं जानता हूं कि शिवा कहां है। घटना के ठीक बाद वो मेरे पास आया था और उसने मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया। अब वो मेरी पनाह में है। साहब, मैं उससे मिलना चाहता हूं। अभी तुम उससे नहीं मिल सकते क्योंकि मुझे देखना है कि केस क्या रंग लाता है। बिल्ला भी मरा नहीं, अगर उसने पहचान लिया कि मुलजिम शिवा है तो हम मुश्किल में आ जाएंगे, हम उसे बचा नहीं पाएंगे। इस केस का दारोमदार मरने वाले के आखिरी बयान पर है। चलो ड्राइवर। मुझे कुछ याद नहीं। अगर उसे तुम्हारे सामने लाया जाए तो पहचान लोगे? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। हम जानते हैं वो कौन। मैंने तुमसे नहीं पूछा। हाँ तो तुम्हें उसका चेहरा तक याद नहीं? हाँ ठीक है, चलो। उस्ताद, तुमने ऐसा क्यों बोला? जब मैं बाहर जाऊं तो वो अंदर नहीं होना चाहिए, वो मेरा शिकार है।